आज कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों के लिए है हिंदी के किताब का अनिवार्य संस्कृत, संस्कृत खंड का अनिवार्य संस्कृत जिसे कहते हैं उसका पंचमा पाठ। पूरा भावार्थ मिलेगा लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। अधिक से अधिक शेयर करना है। इसके तुरंत बाद 2-4-10 दिन के बाद आपको प्री बोर्ड, बोर्ड का पेपर, वार्षिक पेपर मिलने लगेगा। अधिक से अधिक शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो पहला है, पाठ का नाम है सहसा विदधीत न क्रियाम, पंचवा पाठ। मतलब सहसा माने एकाएक, विदधीत नहीं करना चाहिए, क्रिया माने कार्यों को, कार्यों को एकाएक अचानक नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखते हैं, अब इसमें के पाठ का अर्थ देखते हैं, एक एक लाइन का अर्थ देखते हैं, स्किप नहीं करना है। इस बी वर्षस से सप्तम शत अब्द्याम महाराष्ट्र प्रांते आसीत राजा विष्णुवर्धना। कहने का मतलब सातवीं शताब्दी में महाराष्ट्र प्रदेश में या महाराष्ट्र प्रांत में एक राजा थे और राजा का नाम क्या था, विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन नाम के एक राजा थे। तस्या राज्यसभायाम, उनके राज्यसभा में महाकवि कौन थे, भारवी राजकवि असीत, भारवी जो थे उनके राज्यसभा के राजकवि थे, भारवी राजकवि थे। तस्य महाकाव्यम, उनका महाकाव्य किरात अर्जुनीयम, किरात अर्जुनीयम पुरा कालादेव अत्यंतम प्रसिद्धम वर्तते, प्राचीन काल से ही बहुत प्रसिद्ध था या प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है प्राचीन काल से ही। आगे देखेंगे दूसरे स्टेंजा का। भारवी बाल्यकाले महता परिश्रमेण विद्याम अर्जितवान, भारवी बाल्यकाल से ही, बचपन से ही अत्यधिक परिश्रम, बहुत परिश्रम से विद्या अर्जित किया था। तस्य विलक्षणा प्रतिभा काव्य रचना रचनायाम अपि, उनकी विलक्षणा प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा को, अपने विलक्षण प्रतिभा को काव्य की रचना में भी क्या किए, प्रवृत्ता लगे थे, मतलब वे काव्य की रचना करते थे। सा सर्वदा विद्वस्त भासु स उत्साहम उपाविष्टिष्ठत, वह सदैव विद्वानों की सभा में उत्साह पूर्वक बैठते थे। तत्र वहाँ पंडितई सह विद्वानों के साथ अनेक वारम, अनेक बार चतुर्णेन चतुरता पूर्वक शास्त्रार्थम, शास्त्रार्थ क्या किए, किए अक्रोध किए। सह कवि सम्मेलनेशु, सम्मेलनेशु कवि सम्मेलन में भी निरंतर काव्यम अश्रवत, वह कवि सम्मेलन में भी निरंतर काव्यों को सुनते थे। श्रोतरा तस्य रम्यम काव्यम श्रुत्वा, श्रोता लोग उनके मतलब कविता करते भी थे और सुनते थे भी, वहाँ करते भी थे। तो श्रोतरा तस्य रम्यम काव्यम श्रुत्वा, श्रोता लोग उनके मधुर सुंदर काव्य को सुन करके भृषम प्रशंसयन्ति अस्मि, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करते थे। आगे है इत्थम काव्य कलायाम, इन वो इस प्रकार की काव्य कला से तस्य कीर्तिलता अल्पनेव, उनकी कीर्ति की लताएं मतलब कीर्ति चारों तरफ अल्प नहीं थोड़े ही समय में कालेन में चतुर्दिशत प्रसार है, चारों दिशाओं में फैलने लगी, उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी उनकी विद्वता की, देख रहे हैं ना। आगे देखते हैं भारवे पिता पुत्रस्य, भारवे भारवी जो भारवे थे वो मतलब पिता पुत्र, पिता और पुत्र की काव्य काव्य यशसा मनन से अत्यंतम प्रसन्ना। भारवे पिता, भारवे के पिता अपने पुत्र के काव्य के प्रशंसा को या उनके जो करते थे काव्य पाठ करते थे मनन से मन में अत्यंतम प्रसन्न, अत्यधिक प्रसन्न होते थे। संतुष्टम चासीत और संतुष्ट और होते थे, संतुष्ट भी होते थे, देख रहे ना। मतलब भारवी का पिता पुत्र के काव्य यश में, यश मन में अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट था, मतलब कि उनको ये लगता था मेरा पुत्र बहुत अच्छा कर रहा है। आगे है तथापि सह वचसह भारवी, फिर भी वह वचन से वाणी से भारवी के कदापि न प्रशंसयत, कभी भी प्रशंसा नहीं करते थे। प्रत्युत सह यदा कदा तस्य पंडितस्य आलोचनम अक्रोत, मतलब प्रत्युत मतलब समक्ष में एकदम सामने, सह यदा कदा कभी कभी तस्य पंडितस्य उनके विद्वता की आलोचना करते थे।
बल्कि कभी कभी आमने सामने उनकी विद्वता की आलोचना करते थे। तेन भार भी चिंतता, जिससे भार भी चिंतित होते थे। आगे अखिन्नस अजात, और दुखी होते थे। एकदा तस्य पिता काव्यम श्रुत्वा, एकदा तस्य पिता, उनके पिता ने काव्यम श्रुत्वा, काव्य को सुनने के लिए राजसभा आयामेव आलोचितवान, आलोचना के मतलब एक बार देख रहे ना क्या है आलोचना। तेन भार भी चिंतिता, ये तो हो गया था यहाँ से है। एकदा तस्य पिता, एक बार उनके पिता ने काव्यम श्रुत्वा, काव्य को सुन करके अपने लड़के के श्रुत्वा राजसभायाम, राजसभा में ही आलोचितवान, आलोचना किया, और तिरस्कृतवांचा, और तिरस्कृत भी किया अपने पुत्र को। क्यों? फिर आगे है अपना अपमानेन भारवी, अपमान हो करके भारवी पित्रे पिता से अत्यधिकम रुष्टा उद्विघ्न चा अभवत, बहुत ही रुष्ट हुए, उद्विघ्न हुए, क्रोधित हुए। सह चिंतया रात्रो निद्राम ना लब्धवान, वह चिंता में रात दिन रहते थे और उन्हें नींद नहीं आती थी। गृहे इसस्था, घर में इधर उधर। आगे है पर्यटन चा रात्रो पितु प्रकोष्ठवाद बहिरेव किंचित कालम स्थिता, देख रहे ना प्रत्युत्साह यदा कदा तस् यहाँ था है। एकदा तस्य पिता काव्यम श्रुत्वा सह चिंत यहाँ से है मतलब भारवी पुत्रे अत्यधिकम रुष्टा उद्विघ्न से अभवत, सह चिंतया वह चिंता से रात्रो निद्राम न लभते, रात दिन उन्हें नींद नहीं आती थी। और गृहे इसस्था, घर में इधर उधर पर्यटन घूमते हुए सह रात्रो रात के पितु प्रकोष्ठवाद बहिरे, कुछ समय के लिए पिता के कमरे से वह बाहर रहे। किंचित कालम इसका, कुछ समय तक। तदा स्वविषय, तब उन्होंने अपने विषय में माता पिता से वार्तालापम अश्रणोत, उन्होंने अपने बारे में अपने माता पिता से वार्तालाप को सुना, जो बातचीत कर रहे थे। क्या हो रहा था भाई? कह रहे हैं अस्माकं पुत्रा महाकवि महापंडिताश्च, हमारा पुत्र महाकवि जो है महापंडिताश्च, महान पंडित है, महान विद्वान है। तस् यशा निरंतरम वर्धते, उसका निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सा समाजे अस्माकम अभी, वह समाज में हमारा भी गौरवम स्थापयति, हमारा गौरव स्थापित कर रहा है। देख रहे हैं ना, किंतु सा इतो अभी अधिकम कवित्वम कीर्ति चा अर्जयत, किंतु सा इतो अभी यह भी अधिक कवित्वम, अधिक कविता के कीर्ति अर्जित करेगा। इति विचार सभायामदव, मतलब यह कविता के माध्यम से अधिक कीर्ति प्राप्त करे। इति विचार, यह सोच करके सभायामद्य मया तिरस्कृता, मैंने सभा में इसका तिरस्कार किया। इति एवं श्रुत्वा, यह सुन करके भारवी तथा भारवी पुनः प्रतिनिर्वृत्ता काव्य पाठ करने में लग गए। पितरम प्रति मिथ्या आरोषयत, और पिता के प्रति झूठा जो आरोप आरोषात क्रोध था, तस्यांता कारण उसी समय वो सब तस्यांता तस्य अंत उसी समय अब उनका अंत हो गया क्रोध का। महती ग्लानि उत्पन्न, और उन्हें बहुत कष्ट हुआ। सह रात्रो, वह रात्र के समय, देख रहे ना, सह रात्रो पश्चात्याम कुर्बन, आगे है देख रहे ना क्या कहा उन्होंने, एतद पद्यम प्रणीतवान, उन्होंने रात के समय ही एक क्या लिखा, एक ग्रंथ लिखा। वो ग्रंथ में श्लोक क्या था, साहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका परम अमदाम पदम अवृणुते ही मृषस्य कर्णम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा, अर्थात बहुत ध्यान देंगे इसको, कोई कार्य अचानक नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचार का अभाव बड़ी आपत्ति का स्थान है। बिना विचारे कोई भी कार्य करने से परम आपदम, बड़ी आपदा का क्या है स्थान है, पदम स्थान है, बड़ी
मतलब फिर सुन लीजिए, कोई कार्य अचानक नहीं करना चाहिए क्योंकि विचार का अभाव बड़ी आपत्ति का स्थान होता है। संपदा गुणों से मिलती है, संपदा गुणों से मिलती है, या वह विचार पूर्वक कार्य करने वालों को अपने आप वरण कर लेती है। मतलब संपदा, धन दौलत, यश कीर्ति, ये अपने गुणों से मिलती है। गुण आपके अंदर होगा तभी मिलेगा। यह जो विचार पूर्वक कार्य करते हैं, सोच विचार कर कार्य करते हैं, करने वालों को वह अपने आप वरण कर लेती है। गुण लुब्धा स्वमेव संपदा, देख रहे ना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।